जब जिंदगी में एक पार्टनर बिछड़ जाया करता है तो दूसरा पार्टनर अपनी सुकून की तसल्ली के लिए, अपने सुकून के लिए दूसरे लोगों को ढूंढने लगता है। ऐसा ही यहाँ पर इस घटना में हुआ है। एक विधवा महिला एक साथ दो लड़कों के साथ बना रही थी संबंध, तभी क्या होता है, अचानक एक की हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ था? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के कुर्रा क्षेत्र की। कुर्रा क्षेत्र में 22 अक्टूबर को वहां पर एक फ्लाईओवर पर एक डेड बॉडी मिलती है एक लड़के की। दोस्तों, वहां पर पुलिस आती है, पुलिस डेड बॉडी को उठाती है और पुलिस को यही लग रहा था कि शायद हो सकता है किसी सवारी के नीचे आने से इस व्यक्ति की मौत हो चुकी है। पुलिस उस डेड बॉडी की जब शिनाख्त करवाती है तो पता चलता है कि वह वहीं का रहने वाला, उसका नाम राजेश है, जिसकी उम्र 25 साल है, उसकी मौत हो चुकी है। दोस्तों, अब क्या होता है, पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर उसके बाद उसके घर वालों को उस डेड बॉडी को सौंप दिया जाता है। उसके घर वाले उस लाश के अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुट जाते हैं। तभी क्या होता है दोस्तों, पुलिस के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है और जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो जो पुलिस ने सोचा था कि शायद हो सकता है किसी सवारी से टकराने के कारण इसकी मौत हो चुकी है, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर आता है कि इस व्यक्ति की गोली लगने से मौत हुई है। अब पुलिस का दिमाग एकदम से घूम जाता है और फिर पुलिस छानबीन में जुट जाती है। पुलिस तुरंत उसके घर जाती है और उसके घर वालों से पूछती है कि आखिर मामला क्या है। तो पुलिस को पता चलता है कि राजेश शराब पिया करता था ज़्यादातर, और वहाँ के जो आस पड़ोस के लोग हैं वो यही कह रहे थे कि शराब पीकर रहता था हमेशा और हो सकता है किसी ट्रक के आगे आ गया हो नशे में और यह मर गया हो। यही बात सारे गांव वाले बताते हैं। तो उसकी एक पत्नी होती है और एक छोटा बच्चा होता है। तो पुलिस उसकी पत्नी से पूछताछ करती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या किसी ने उसको मारा होगा या फिर कोई और कारण है, तुम्हें किसके ऊपर शक है? तो जो उसकी पत्नी होती है वह बताती है कि एक गांव के अंदर एक विधवा महिला है, उसके साथ उसके प्रेम प्रसंग थे और अब कई दिनों से वह उससे गाली गलौज फोन पर किया करता था और मैंने यह बात कई बार सुनी थी। तो वह विधवा महिला का नाम बताती है। उस विधवा महिला का नाम होता है कुसुम। कुसुम की उम्र होती है 32 साल। तो पुलिस तुरंत कुसुम के पास पहुंच जाती है और उसको पूछताछ के लिए अपने साथ ले लेती है। कुसुम से जब पुलिस की पूछताछ अच्छी तरह से की जाती है तो कुसुम बताती है कि साहब, मेरे पति को मरे हुए 3 साल हो चुके थे और जैसे मेरे पति की मौत हो जाती है तो मैं घर के अंदर अकेली रह जाती हूँ और मेरा भी मन करता है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो, मेरा कोई प्रेमी हो। तभी क्या होता है, उसके ही पड़ोस में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है अजय, जिसकी उम्र 24 साल होती है, उसके साथ कुसुम के प्रेम प्रसंग बनने लगते हैं। दोनों बहुत ही खुश हैं। कुछ समय गुजरने के बाद क्या होता है, अजय कुसुम से कहता है कि एक मेरा दोस्त है जिसका नाम है राजेश और वह तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता है, क्या मैं उसको बुला सकता हूँ? तो कुसुम उससे हाँ में भर लेती है। उसके बाद क्या होता है, अजय अपने दोस्त राजेश को भी उसके साथ लेकर आने लगता है। अब दोनों लड़के एक साथ उसके साथ संबंध बनाते और सभी लोग आराम से खुश होते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, राजेश को शराब पीने की आदत थी, वह ज़्यादातर शराब के नशे में रहा करता था और अब राजेश जबरदस्ती उस विधवा कुसुम के साथ संबंध बनाने लगता है। वह कभी भी उसके घर पर आ जाया करता है और उसके साथ संबंध बनाता है। इस बात से कुसुम परेशान हो जाती है। वह सोचने लगती है कि यह तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई, इस तरह से किस तरह से जिया जाएगा। अब वह अपने पुराने प्रेमी अजय से बात करती है कि तुम्हारा दोस्त तो शराब पीकर कभी भी यहाँ पर आ जाता है और मेरे साथ जबरदस्ती करता है, उसका क्या किया जाए? दोस्तों, पहले तो एक दो बार उसको वह समझाते हैं दोनों मिलकर के, लेकिन वह समझता नहीं है, वह अपनी आई पर चूकता नहीं है। हर रोज़ शराब पीना और उस विधवा औरत के घर जाकर ड्रामा करना और उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाना। अब क्या होता है, कुसुम और उसका पुराना प्रेमी जिसका नाम अजय होता है, दोनों ही प्लानिंग करते हैं कि इसको अब रास्ते से हटाना पड़ेगा वरना यह तो जी का जंजाल बन चुका है, शराब के नशे में होता है और कभी भी यहाँ पर आ धमकता है। अब दोनों मिलकर के उसकी मौत की प्लानिंग रचते हैं। दोस्तों, उसको अपने घर पर बुलाया जाता है, विधवा औरत राजेश को बुलाती है, बुलाने के बाद उसके साथ संबंध बनाती है। जैसे वे संबंध बना रहे होते हैं तो अजय उसके ऊपर फायर कर देता है, गोली चला देता है। दोस्तों, उसकी तुरंत वहीं पर मौत हो जाती है। अब दोनों, कुसुम और अजय, उसको बोरे में भरकर रात को हाईवे के पास ले जाते हैं, पुल के पास, और बोरे में से निकालकर उसे ट्रक के सामने धक्का देकर वहाँ से फरार हो जाते हैं
और ट्रक उसके ऊपर चढ़ जाता है। वह समझते हैं कि लोग समझेंगे शराब के नशे में ट्रक के सामने आ गया था। और दोस्तों यह बात समझी भी थी राजेश के पत्नी ने और गांव वालों ने, यह बात समझी थी कि यह शराब के नशे में होगा और ट्रक के सामने यह आ गया है। लेकिन दोस्तों यहां पर जो अजय था वह कहता है कि अगर मैं उसे गोली नहीं मारता तो यह भेद नहीं खुलता। दोस्तों यहां पर पुलिस कुसुम को और अजय को अरेस्ट कर लेती है, उनको जेल में भेज दिया जाता है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर साफ होता है कि गलत कर्मों का गलत नतीजा हमेशा मिलता है। यहाँ पर नाजायज संबंध थे उन लोगों के और यहाँ पर फिर एक की मौत हो जाती है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप नाजायज संबंधों में रहते हैं आप और हम, तो हमेशा उसका अंजाम बहुत ही खतरनाक बहुत ही भयावह होता है, जैसा कि इस घटना में भी हुआ। ऐसा ज़्यादातर होता है लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते हैं और ज़्यादातर प्रेम प्रसंगों को बनाकर रखते हैं, अवैध संबंध बनाए रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या कहना चाहते हो, राजेश की गलती है या अजय की या फिर कुसुम ने सही किया या गलत किया, जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।